किरण ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वो अपने आप से बहुत नाराज रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा और उससे बस गलतियां ही गलतियां होती रहती है। एक दिन उर्मी ने देखा कि ऐसे ही बेचैनी में आकर किरण बहुत सारी नोटबुक पर कलम घसीटी करके उन्हें खराब कर रहा है। किरण ये लो और एक नोटबुक। किरण अचरज से उर्मी को देखता है। हाँ इसे भी खराब करो, शायद तुम्हें तसल्ली मिले। उर्मी की बात सुन के किरण चिढ़ जाता है। ये क्या है दीदी, मैं यहाँ टेंशन में हूँ और आप मजाक कर रही है। उर्मी किरण के पास जाती है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। किरण अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हाँ दीदी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बार बार मुझे मेरी पुरानी गलतियाँ याद आती है और फिर मेरा मन उठ जाता है। इट्स ओके, कल अच्छे से इंटरव्यू देना, पिछली गलतियाँ मत दोहराना। देखना ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। किरण ने अपने जिंदगी में बहुत गलतियाँ की थी, जैसे गलत दोस्त चुनना, गलत लोगों के बहकावे में आकर खुद का नुकसान कर लेना, गलत करियर चुनना। दूसरे दिन किरण अपने स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर को प्रणाम करके नए जॉब इंटरव्यू के लिए निकलता है। तभी उर्मी दही शक्कर लेके वहाँ आती है। किरण लो दही शक्कर। थैंक यू दीदी। ऑल द बेस्ट, गुड न्यूज लेके घर आना। पता नहीं ये बैड लक मेरा कब साथ छोड़ेगा, लाइफ में सब गलत हो रहा है। काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती और कॉमर्स के बजाय इंजीनियरिंग लिया होता, आज मेरा करियर बन जाता। किरण को सोच में खोया देख उर्मी उसके कंधे पे थपथपाती है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? दीदी उस जेलेसी राजू की बात मानकर मैंने कॉमर्स लिया और खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया ना। किरण गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन उन्हें याद करके तुम आगे की लाइफ खराब मत करो। फोकस ऑन योर फ्यूचर नाउ, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, यही सिखाया है ना पापा ने हमें। रात के 8 बजे है, लेकिन किरण अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए उर्मी थोड़ी चिंतित हो गई है। अब तक तो किरण को आ जाना चाहिए था, मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं इंटरव्यू कैसे हुआ होगा। तभी किरण घर आता है। बड़ी देर कर दी तुमने, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं। दीदी किरण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रो पड़ता है। लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में ट्राई करना, चलो हाथ मुंह धो लो फटाफट। मुझे नहीं खाना, आई एम अ फेलियर, बिगेस्ट फेलियर, मैं दुनिया का सबसे नाकामयाब इंसान हूँ। उर्मी किरण को शांत करती है। शांत हो जाओ किरण, जिंदगी बहुत बड़ी है, आज तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कैसे होता दीदी, मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। किरण की बात सुन के उर्मी चकित हो जाती है। लेकिन क्यों, तुमने तो अच्छी तैयारी की थी इंटरव्यू की। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा नंबर आने ही वाला था और मुझे पसीने छूटने लगे, बहुत नर्वस फील होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे और फिर मैं इंटरव्यू दिए बिना ही वहां से निकल पड़ा। ओह अब तुम ठीक हो, या डॉक्टर के पास चले? नहीं दीदी इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी सारी गलतियां ऐन मौके पे मुझे याद आती है और मेरा हौसला टूट जाता है, मुझे नहीं लगता मैं कभी इससे उबर पाऊंगा। किरण अपने कमरे में चला जाता है और उर्मी सोच में पड़ती है। कैसे इस लड़की को समझाऊं? अगले दिन सुबह किरण उर्मी के कमरे में जाता है। उर्मी अपने डायरी में कुछ लिख रही है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग किरण, सॉरी आज ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह ये तुम क्या लिख रही हो, तुम्हारे स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है ना? हाँ कल रात डायरी लिखना भूल गई थी, सो अभी पूरा कर रही हूँ। किरण ध्यान से देख रहा है कि उर्मी अपनी डायरी में लिखी एक लाइन रबर से मिटा रही है, लेकिन वो ठीक से मिट नहीं रही। दीदी ये इंक पेन की लिखावट इस रबर से नहीं मिटेगी। ओह क्या तुम्हारे पास इसे मिटाने वाला रबर है? नहीं दीदी। किरण की ना सुनते ही उर्मी फिर से उन लाइंस को और जोर जोर से घिसने लगती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। दीदी आपके डायरी का पन्ना गंदा हो रहा है, ये लाइंस नहीं मिटेगी। अरे नहीं मिटेगी, तुम देखना। उर्मी अब थोड़ा सा पानी उस पन्ने पर डालती है और अपनी उंगली से लाइन को घिसके मिटाने की कोशिश करती है। लाइन तो मिटती नहीं, लेकिन पन्ना खराब हो जाता है। किरण उर्मी की हरकतें अचरज से देख रहा है। उफ, ये लाइंस कितनी जिद्दी है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिट रही। दीदी आप खामखा परेशान हो रही हो, अब अगर आपने इस पन्ने को और ज्यादा घिसा तो वो फट जाएगा। हाँ पता है, लेकिन मुझे इन अनचाही लाइन से छुटकारा चाहिए। मैं आपको इस अनचाही लाइन से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका बताऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं।
किरण एक पेन से उन अनचाही लाइंस के ऊपर सीधी लाइन खींचता है। बस हो गया, इन लाइंस पर मैंने काट मार दी है, यानी कैंसल की है। लेकिन लाइंस तो फिर भी दिख रही है। हाँ, क्योंकि इस इंक पेन की लिखावट कभी नहीं मिटेगी, लेकिन पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपको ये लाइंस यहाँ नहीं चाहिए, आपको हटानी है। तुम सही कह रहे हो। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना आसान था और आप बेवजह अपनी एनर्जी और समय बर्बाद कर रही थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्मी की बात सुन के किरण कंफ्यूज हो जाता है। मेरी तरह? मैं तो कभी भी पेन की लिखावट मिटाने की कोशिश नहीं करता, बस ऐसे ही काट मार के आगे बढ़ता हूँ। हाँ, फिर अपनी पुरानी गलतियों को ऐसे ही काट मार के नई शुरुआत क्यों नहीं करते? उन गलतियों को बार बार याद करके जबरदस्ती मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब उर्मी की बात किरण के पल्ले आ जाती है। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें नसीहत दे रहा था, लेकिन मैं खुद भी वही गलती कर रहा था। आई एम सॉरी। वेरी गुड, चलो अब नाश्ता करके वेस्ट हो गई एनर्जी वापस लाते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। कुछ साल पहले रामपुर में हरिया अपने परिवार के साथ रहता था। वो अपना छोटा खेत बो के परिवार की परवरिश किया करता था। उसका छोटा भाई कृष्णा खेती के काम में उसकी कोई मदद नहीं करता, लेकिन कृष्णा एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर था। कृष्णा कृष्णा उठो भाई, सूरज सिर पे आया है, कुछ काम वाम नहीं करना तुम्हें? भैया स्कूल शुरू होने में अभी एक महीना बाकी है, क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना। मुखिया जी सुबह आके गए हैं, वो स्कूल के बेंचेस का काम कब तक होगा पूछ रहे थे। कह देना हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। ये कह के कृष्णा फिर मुंह पे चद्दर ओढ़ के सो जाता है। हरिया को समझ नहीं आ रहा आखिर इसे कैसे समझाए। इसी विचार में हरिया अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। जब वो गांव की नुक्कड़ पे पहुंचता है तब, अरे भाई सुना है मुखिया जी दूसरे गांव से मिस्त्री बुला रहे हैं। वो तो होने ही वाला था, कृष्णा के भरोसे बैठेंगे तो हो गया सत्यानाश। हाँ और नहीं तो क्या, हरिया भैया की विश्वसनीयता की वजह से मुखिया जी ने ये इतना अच्छा काम उस आलसी कृष्णा को दिया है। गांव वालों की बातें सुनकर हरिया परेशान हो जाता है, क्योंकि कृष्णा की गैर जिम्मेदारी की वजह से अच्छा खासा पैसे देने वाला काम खोने के लक्षण नजर आते हैं। क्या करूं इस लड़के का समझ नहीं आता, भगवान ने हुनर तो दिया है लेकिन इसका यह आलसीपन। हरिया थका हारा रात को घर लौटता है, उसकी बीवी उसे खाना परोसती है। बीवी से पता चलता है कि कृष्णा दोपहर 3 बजे उठा और बिना नहाए धोए दोस्तों से मिलने बाहर चला गया है। अच्छा, यानी आज भी स्कूल नहीं गया। इतना काम पड़ा है लेकिन इस लड़के के दिमाग में भूसा भरा है। और आज जाते समय रात के भोजन में केरी का अचार बनाने के लिए बोल के गए हैं। बीवी की बातें सुनते ही हरिया के दिमाग में एक कल्पना आती है। वो बीवी से नींबू मांग के लेता है और बाहर आंगन में जाके बैठ जाता है। भाभी जल्दी खाना परसो, बहुत भूख लगी है। और हाँ कैरी का अचार भी देना। कैरी का अचार बाहर आंगन में आपके भैया बना रहे हैं। कृष्णा बाहर आता है और हरिया को नींबू के बीज के साथ बैठा देख चकित होता है। भैया ये नींबू के बीज के साथ क्यों बैठे हो? तुम्हारे लिए कैरी का अचार बना रहा हूँ। भैया आप ठीक तो है, नींबू के बीज से आप कैरी उगाओगे? हाँ क्यों नहीं उगेगी। भैया आप ही ने सिखाया है ना, जो बोओगे वही पाओगे। फिर तभी मुखिया जी का आदमी वहां आता है और कृष्णा को बताता है कि मुखिया जी ने स्कूल के काम के लिए नए कारपेंटर को बुलाया है, अब उसे स्कूल आने की जरूरत नहीं। अरे मुखिया जी ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरे जैसा एक्सपर्ट कारपेंटर उन्हें आजू बाजू के 10 गांव में नहीं मिलेगा। वो आप उनसे जाके बोलिए, चलता हूँ। अच्छा खासा काम हाथ से जाने की वजह से कृष्णा बहुत दुखी होता है। कृष्णा अब दुखी होने से कोई फायदा नहीं है, जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। तुमने अपने आलसी स्वभाव के कारण इतना अच्छा पैसे कमाने का मौका खो दिया है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है कृष्णा, देर से आए दुरुस्त आए, आगे से ख्याल रखना। तो इस प्रकार देर से ही सही कृष्णा की आंखें खुल जाती है और वो आगे से खूब मेहनत करने का वादा हरिया को देता है।